एथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाएं सभी लोग, ऑल स्टूडेंट्स कम क्विकली, और सभी विद्यार्थी मेरी क्लास के लिंक को शेयर कर दें फटाफट अपने ग्रुप में, जो भी आपके पास में सोशल मीडिया ग्रुप है। और साथ ही साथ आप मेरी क्लास के लिंक, क्लास को भी लाइक कर दें। गुड मॉर्निंग अंकेश। चलिए अगले एक मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। कल मध्य प्रदेश जी के यहाँ पर हमने खत्म किया था, वहीं से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लास के लिंक को शेयर करें, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे क्लास के लिंक को शेयर नहीं किया है तो। और क्लास को लाइक भी कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं, और भी स्टूडेंट कनेक्ट हों, फिर हम स्मूथली इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, फटाफट आ जाएं सभी लोग, सारे स्टूडेंट्स फटाफट मेरी क्लास के लिंक को, सभी ऑल स्टूडेंट्स काइंडली सेंड शेयर माय क्लास लिंक टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं, ये आ गया आज का पहला क्वेश्चन आपके पास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा ये, यहाँ हमने कल खत्म किया तो वहीं से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है अंकित जी, प्रभा, शांति, शांति जी फटाफट बताएं मेरे को, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बेगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर, बलमा, चटकोरा, लहगी या फिर परधोनी, कौन सा विकल्प चाहिए इसका बताएं। इसका अगर आप डी पर जा रहे हैं तो डी विकल्प बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है परधोनी। बेगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर यह नृत्य किया जाता है जिसका नाम है परधोनी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, अगला प्रश्न आ गया। प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है, प्रेम प्रसंग, बलमा, घोंचो, बार या फिर कानरा, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग आशी, वेलकम, वेलकम टू माई क्लास, आशी जी भी आ गई हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास के लिंक को शेयर करते हैं अगर नहीं किया है, और क्लास को लाइक भी करते जाएं। चलिए, इसका जो सही विकल्प है वो है बलमा। ठीक है, बलमा जो कि बेगा, ध्यान रखिएगा बेगा जनजाति के लोग ये नृत्य करते हैं, और ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ नृत्य है बलमा। ठीक है, जिस तरीके का नाम है उससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। ये आ गया अगला प्रश्न, बताएं बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, बधाई, मालवा, निमाड़, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं, बधाई किस क्षेत्र का है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, थर्ड का आंसर देवे। देखिए इसमें से अगर आप विकल्प डी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बधाई नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का, ठीक है, बुंदेलखंड का है ये। और ये जो भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि शुभ कार्य कौन कौन से, जैसे कि शादी होता है, विवाह होता है, शादी का कार्य होता है, या फिर कहीं पे कोई जन्म उत्सव मनाया जाता है, किसी का जन्म होता है बच्चे का, तब ये बधाई नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है, ठीक है। डी डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं है, बुंदेलखंड है इसका आंसर। अगला प्रश्न आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये, बघेलखंड का पारंपरिक लोक के नाट्य कौन सा है, बताइए, माचा, काठी, छोहा, छाहौर या फिर रास। बघेलखंड का जो पारंपरिक लोक नाट्य है वो कौन सा है, वेरी गुड मॉर्निंग सागर जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। फटाफट मेरी क्लास की लिंक को शेयर कर दें आप आते से ही, और साथ में क्लास को लाइक भी कर दें सागर जी, फटाफट कर दें। चलिए इसका जो सही विकल्प है वो है छाहौर। छाहौर जो लोक नाट्य है, ये बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य है, ध्यान रखिएगा। और ये जो कृषक जाति के लोग होते हैं, यानी कि किसान, कृषक जाति के जो लोग होते हैं वही इसको सबसे पहले, ठीक है ना, मनाते हैं। हेलो, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पांच, लारू काज किनका मुख्य पर्व है, लारू काज, गोंड, भील, बेगा या फिर सहरिया, बताएं। कौन सा विकल्प चाहिए इसका, देखिए इसका जो सही विकल्प है वो है गोंड। ये गोंडों का मुख्य पर्व है और इसमें नारायण देव की पूजा की जाती है, किसकी, नारायण देव की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है ना, पूजा का इसमें प्रावधान है, मतलब इस तरीके का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ इसमें सुअर, ध्यान रखिएगा, इस पर्व का जो प्रतीक माना गया है, इस पर्व का जो प्रतीक है, इसका प्रतीक है सुअर, ठीक है ना, सुअर को इसका प्रतीक मानते हैं, प्रतीक मना के माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स, संजा और मामूलिया किस क्षेत्र का पर्व है, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसका, संजा और मामूलिया। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप सी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये बुंदेलखंड और निमाड़ का, ओ मालवा का, ठीक है ना, प्रमुख ये वो है, क्या पर्व है, जिसमें कि अनमेरिड जो गर्ल्स होती हैं, यानी कि अविवाहित जो स्त्रियां होती हैं, अविवाहित 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 स्त्रियां जो होती हैं वो एक गोल घेरा बनाकर, ठीक है, यहाँ पर शाम के समय, संजा मतलब कि इवनिंग के टाइम में यहाँ पर, ठीक है, बैठती हैं और कुछ पर्व मनाती हैं, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। वेलकम नम्रता, वेलकम टू माय क्लास,
सबसे पहले मेरी क्लास की लिंक को शेयर कर दें फटाफट और क्लास को लाइक कर दें फटाफट, नम्रता फटाफट। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये रहा, बताएं घड़ल्ला, घड़ल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है, बताएं मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ या इनमें से कोई नहीं, कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर सेवंथ का आंसर दें, सेवंथ है ये। देखिए घड़ल्ला से समझ सकते हैं घड़ा, इसको घड़ा भी बोल सकते हैं, घड़ा, घड़ा किसे बोलते हैं, मटकी या फिर मटकी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका सही विकल्प है मालवा, मालवा में मटकी, घड़ल्ला या घड़ा, ये मालवा का प्रमुख है। और इसमें मटकी सर पर रखकर, सर पर रखा जाती है मटकी, और सर पर रखने के बाद में इस पर्व को मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। लड़कियां जो होती हैं वहां की, मालवा क्षेत्र की जो लड़कियां हैं वो सर पे रख के इसको मनाती हैं, ठीक है। मटकी के बारे में मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बताया था, पिछले भी क्लास में मैं ला चुका हूं, उसमें मैंने बताया था, तो ये मालवा का ही है। और उस घड़े में क्या होता है, छिद्र, छिद्र होते हैं, और उसके अंदर में एक दीपक रख के इसको पूरे के पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता है, हर घर पे लेके जाती है ये। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है, बताएं, क्वेश्चन नंबर आठ, विरहा, विदेशिया, वसुदेवा या उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर देवें। बताएं देखिए इसमें से अगर अपन डीपर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। देखिए विरहा, विदेशिया और वसुदेवा, ये तीनों ही की तीनों गान है, इसको बघेल, ठीक है ना, बघेली लोकगीत कहते हैं, क्या कहते हैं, बघेली लोकगीत, ठीक है ना, बघेली लोकगीत कहलाते हैं ये, जो कि बघेलखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है और ये गाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर नवा है ये, अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है, अटारी, अटारी से आप बिल्कुल समझ सकते हैं ये किस तरीके का नृत्य होगा। बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या फिर निमाड़, देखिए इसका अगर आप सही विकल्प बघेलखंड जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। बघेलखंड क्षेत्र का बेगा जनजाति के लोग, कौन से, बेगा जनजाति के लोग इसको करते हैं, और ये अटारी का मतलब होता है, ठीक है ना, एक पुरुष दूसरे पुरुष के कंधे पर चढ़ जाता है, यानी कि डबल स्टोरी में ये डांस किया जाता है, एक पुरुष दूसरे पुरुष के ऊपर में चढ़कर उसके कंधे पर बैठकर फिर उसके बाद में ये नृत्य किया जाता है। और बेगा जनजाति के लोग इसको जो तीज त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होता है, तब इस नृत्य को करते हैं, अटारी नृत्य को, ठीक है। बेगा बघेलखंड का, और बघेलखंड में बेगा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया, आड़ा खड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस अंचल का है, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं, आड़ा खड़ा नाच बताएं। क्वेश्चन नंबर दसवां, दसवें का आंसर दें।
देखिए इसका अगर आप ए विकल्प पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही विकल्प है ए। ध्यान रखिएगा ये बघेलखंड का है, बघेलखंड के, ये भी बेगा जनजाति का है, बेगा जनजाति का नृत्य है ये आड़ा खड़ा नाच। और ये जो आड़ा खड़ा नाच का जो प्रचलन है, ठीक है, ये जन्म अवसर, ठीक है ना, जन्म, किसी का जन्म होता है या फिर कोई मुंडन कराता है मुंडन के समय में या फिर विवाह के समय में, ठीक है ना, कोई भी फेस्टिवल ऐसा हो तब ये आड़ा खड़ा नाच बेगा जनजाति के लोग इसको करते हैं, ठीक है। आड़ा खड़ा नाच बघेलखंड, बघेलखंड आंचल का है ये, ठीक है। और इसमें नाच नाचते भी हैं और गाते भी हैं, ठीक है ना, इसमें गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 11। सुआटा क्या है? सुआटा ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसका? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, अगर आप पर्व लगा रहे हैं ये भी, तो पर्व इसका बिल्कुल सही विकल्प है। ध्यान रहे पर्व, ओ बी ऊपर नीचे हो गया, ए बी सी डी, आप इसको सी भी लगा सकते हैं और बी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है बुंदेलखंड, ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र का है ये पर्व, बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड में गाय में ये मनाया जाता है। और इसमें चबूतरे पर, क्या चबूतरे पर एक राक्षस का, ठीक है, राक्षस राक्षस की एक पेंटिंग बनाई जाती है, एक प्रतिमा बनाई जाती है, ठीक है ना, और उसके उसके सिर पर, चबूतरे के ऊपर एक राक्षस की पेंटिंग बनाई जाती है, उसके सिर के ऊपर शिव पार्वती, क्या शिव जी, शिव और पार्वती, पार्वती को रखा जाता है, ठीक है। ये पर्व सुआटा जो जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। बधाई है क्या है? देखिए रिपीट हो रहा है आंसर, बताएं इसका बधाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी, बताएं क्या है ये। बताएं इसका विकल्प क्या है? देखिए इसका विकल्प बधाई आपको बता चुका हूं, बुंदेलखंड का है ये, ठीक है, बुंदेलखंड का नृत्य है ये, तीज त्योहार पर या फिर किसी के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 13, 13, रेलो गीत, रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक युवतियों के द्वारा एक बहुत पसंदीदा गीत है? बताएं, मूरिया, भील, मारिया या फिर गौंड? कौन सा विकल्प सही होगा इसका? देखिए इसमें अगर आप भील पे जाएंगे, बी विकल्प पे जाएंगे, तो बिल्कुल सही है, भील जनजाति का ये, ठीक है ना, प्रमुखता से वहाँ की युवक युवतियाँ इसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, भील जनजाति का है ये। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया प्रश्न नंबर 14। भीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? भीड़ गायन, बताएं ए बी सी और ये डी, डी भी लिख रहा हूं मैं, निमाड़,
बताएं कौन सा विकल्प चाहिए इसका। देखिए इसका जो सही विकल्प है वो सी विकल्प बिल्कुल सही है, मालवा। मालवा क्षेत्र का ये प्रमुख तरीके से हिंग गायन है और वहाँ के जो कृषक समूह हैं, ठीक है ना, किसान, वहाँ के जो किसान हैं वो प्रमुखता से इसको मनाते हैं हिंग गायन। और ये ऊंचे स्वर में, बहुत ऊंचे स्वर में इसको गाया जाता है, ठीक है ना। हिंग गायन ये लोक संगीत है ये, ठीक है। और ये सावन, जो सावन का महीना होता है, श्रवण मास, इसको कि श्रवण श्रवण माह भी कहा जाता है, उस समय ये प्रमुखता से मनाते हैं। लोक संगीत ऊंचे स्वर में गाया जाता है, लंबी लंबी राग इसमें दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 15, बताएं राई लोक नृत्य किसका है। राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, सी या फिर डी, बताएं। दोनों क्षेत्र का है या दोनों में से किसी का नहीं है। देखिए इसका आंसर अगर आप सी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, उपरोक्त दोनों का। देखिए बुंदेलखंड का तो ये प्रमुख रूप से है, ये प्रमुख रूप से बुंदेलखंड का है, लेकिन बघेलखंड के भी कुछ हिस्सों में, ठीक है ना, कुछ हिस्सों में, ठीक है, राई को मनाया जाता है, राई लोक नृत्य किया जाता है। तो ये दोनों क्षेत्र का प्रमुख में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 16, दादरिया नृत्य किसका नृत्य है, किस जनजाति का है ये, भील, गौंड, सहरिया या बीबीका, बताएं। देखिए 16वें नंबर का अगर आप प्रश्न देखेंगे तो इसका आंसर है बेगा। बेगा इसका सही आंसर है, बेगा जनजाति का ये दादरिया है। और ये युवक, ध्यान रखिएगा, वहाँ की जो युवक युवती हैं, युवक युवती यानी कि स्त्री और पुरुष हैं, ठीक है ना, उनके लिए होता है ये, युवतियों का प्रमुखता से है। इसमें क्या ना कि एक एक क्षेत्र के युवक दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव में, तो जब युवक वहाँ प्रवेश करते हैं तो वहाँ की युवतियाँ दादरिया नृत्य या फिर गायन करके उनका स्वागत करती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये बेगा जनजाति का प्रमुखता से मनाया जाता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार से एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए इस तरीके का लोक नृत्य होता है वहां पर, बेगा में, बेगा जनजाति के लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 17, लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, बताएं, ग्वालियर, मांडू, चंदेरी या खजुराहो। देखिए इसमें अगर आप डी पर जाएंगे तो बिल्कुल सही विकल्प डी है, खजुराहो में है ये संग्रहालय। क्या है, लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय, ठीक है ना, ये खजुराहो में स्थित है, ठीक है ना। इसमें आदिवासी संस्कृति से संबंधित जितनी भी कलाएं हैं, ठीक है ना, और उनके लोक नृत्य से जुड़े जुड़े हुए जो भी क्राफ्ट हैं या फिर जो भी पेंटिंग्स हैं उनको यहाँ पर संजो के रखा है, संभाल के रखा है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 18 ये आ गया, 18 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सांझा गीत वासदेव भोपा कलगी तुर्रा किसके प्रकार है बताएं, ए बी सी डी। सभी अभ्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर कर दें, अगर आपने आप लाइक बटन नहीं दबाया है, और क्लास के लिंक को शेयर कर दें, क्लास को लाइक जरूर करें आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए इसका जो सही विकल्प है वो है बा, लोक गायन के प्रकार है ये, संजा गीत वासदेव भोपा और कलगी तोर्रा, ठीक है ना, लोक गायन के प्रकार है ये पूरे के पूरे, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक है जैसे लिखा हुआ है इसमें, तो इसका आंसर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, 19 नंबर क्वेश्चन, जावरा नृत्य संबंधित है किससे है बताएं, ए बी सी डी, बघेलखंड, निमाड़, मालवा या फिर बुंदेलखंड। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, सबसे पहले मेरी क्लास के लिंक को आप शेयर करें, अजय जी सबसे पहले क्लास के लिंक को शेयर कर दें और क्लास को लाइक जरूर कर दें, लाइक बटन प्रेस कर दें फटाफट, है ना, फटाफट कर दें आप। चलिए इसका कौन सा विकल्प सही है, देखिए जावरा जो नृत्य है अगर आप इसकी बुंदेलखंड पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बुंदेलखंड विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प है, ठीक है ना, बुंदेलखंड से संबंधित ये नृत्य है जाबरा, ठीक है ना, मुख्यतः ये सभी जनजाति के लोग करते हैं, सभी जातियों के, बुंदेलखंड में जितनी भी जातियां रहती हैं, जो भी वर्ग के लोग रहते हैं, सभी जातियों के, सभी वर्ग के लोग इस जाबरा नृत्य को करते हैं, ठीक है। और ये चैत्र, ध्यान रखिएगा, चैत्र माह में और कुवार में, चैत्र और कुवार में ये किया जाता है, और ये नवरात्रि का पर्व होता है, ठीक है ना, धार्मिक गीत होती हैं चैत्र में, जो नवरात्रि होती है, दुर्गा पूजा जब होती है, दुर्गा पूजा उस समय चैत्र की और कुवार की, ठीक है ना, कुवार के माह में, ठीक है ना, फोक सिंगिंग कहलाती है ये, उस समय ये धार्मिक पर्व पर ये गाया जाता है, ठीक है ना, जवारा, इस समय जवारा निकाले जाते हैं, गेहूँ बोए जाते हैं, गेहूँ के जवारा निकाल के स्त्रियाँ सर पे रख के लेके जाती हैं और इसको, ठीक है ना, विसर्जित करती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 20, वसुदेवा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है बताएं, वसुदेवा, ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी बालाघाट या डी निमाड़, कौन सा विकल्प सही है। सभी विद्यार्थी, अजय, सभी लोगों ने अगर मेरी क्लास के लिंक को शेयर नहीं किया है और क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करते हैं और शेयर करते हैं क्लास के लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बताएं इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है बघेलखंड, ये बघेलखंड का प्रमुख रूप से संबंधित गायन है, ठीक है ना, जिसको वसुदेवा लोक गायन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया, मालवा का लोक नाट्य कौन सा है, तुर्गा, कलगी, दंगल, माच या रासलीला या फिर गम्मत, बताएं कौन सा विकल्प सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 21, 21, देखिए इसका जो सही विकल्प है वो है माच,
अगर आप मार्च में जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, मार्च लोक नृत्य, ठीक है ना। ये लोक नाट्य जो है वो मालवा का है और इसकी शुरुआत, ठीक है ना, इसका जो ओरिजिन है वो उज्जैन है, उज्जैन से हुई थी ये, ठीक है। और इसके प्रमुख जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ढोलक, ध्यान रखें, इसमें ढोलक और क्या, सारंगी, सारंगी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लोक वाद्य यंत्र, चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 22, मालवा आंचल में बिना वाद्य यंत्र की किशोरियों द्वारा गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो कौन सा है? भरतरी, पंडवानी, फाग या फिर संजा? बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में अगर संजा पे जाएंगे तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। संजा जो है मालवा आंचल का बिना वाद्य यंत्र के गाया जाने वाला ये, ठीक है ना, लोकगीत है, जो कि वहां की अविवाहित स्त्रियां या युवतियां बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, वो शाम के समय में, इवनिंग के टाइम में ये, ठीक है ना, ये लोकगीत गाती हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 23, तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएं, ठुमरी, पंडवानी, दादरा या फिर कुल दहाका, कौन सा विकल्प सही है इसका? तीजन बाई, सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी जिन्होंने मेरी क्लास की लिंक को शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक और शेयर कर दें, क्लास के लिंक को शेयर कर दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके पास में टेलीग्राम होगा, इंस्टाग्राम होगा और आपके पास में फेसबुक होगा, वहाँ पे शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरी क्लास में कनेक्ट हों। और साथ ही साथ में अगर आपने मेरी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। चलिए इसका जो सही विकल्प है वो है बी, पंडवानी, ठीक है ना, पंडवानी इसका सही विकल्प है, पंडवानी इसका प्रमुखता से है और ये छत्तीसगढ़, ध्यान रखें, सी जी छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना, प्रमुख गायिका है, पंडवानी गाती हैं ये, ठीक है। चलिए अगला विकल्प आ गया, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये आ गया अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, गायकों का वसुदेव समुदाय से है, बताइए वसुदेव समुदाय कहाँ से है ये, बताएं। फिल इन दी ब्लैंक्स है, बघेलखंड से, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़, कहाँ से है वासुदेव? अभी इसका क्वेश्चन आ चुका था, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है अलग उससे। जी जी अहिल्या पुरस्कार मिली है, वही है ये अंकित जी, ठीक है ना, और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री, सॉरी पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। हेलो, हाँ भैया, हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ, दोबारा नहीं होगा? अच्छा दो, अच्छा ठीक है, ठीक है भैया जी।
चलिए देख लीजिए देख लीजिए, मैं क्लास ले रहा था, देख लीजिए आप, है ना। चलिए इसका प्रश्न, इसका आंसर क्या है? वसुदेवा। देखिए वसुदेवा के बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना, बघेलखंड। इससे पहले भी मैं प्रश्न ले चुका हूं और इसमें बघेलखंड इसका विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, वसुदेवा। चलिए अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 257, वो सॉरी 25वां। जी आप रोज किया करें, सभी विद्यार्थी मेरी क्लास के लिंक को फटाफट शेयर भी किया करें और क्लास को लाइक भी कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया ये 25। आला लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का, किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़, बताएं। आला गायन जिसे बोलते हैं। बताएं इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए 25 में अगर बुंदेलखंड में जाएंगे आप तो बुंदेलखंड विकल्प बिल्कुल सही है इसका। बुंदेलखंड में आला गायन जो होता है ये वीर रस का है, ठीक है ना। वीर रस से पूरा भरपूर ये गायन होता है जो कि आला उदल, आला और उदल, ध्यान रखिएगा। उदल जो दो सैनिक थे, वीर सैनिक थे, उनकी वीरता की पूरी गाथा गाई जाती है, ठीक है ना, आला उदल, ठीक है ना, बुंदेलखंड में। और ये सबसे ज्यादा विशेषकर, ठीक है ना, सावन के माह में, सावन के माह में या फिर जब बारिश का मौसम होता है तब इसको वहाँ के प्रमुखता से बुंदेलखंड वासी के लोग गाते हैं घर में बैठ के आराम से बारिश के मौसम में। चलिए अगला प्रश्न आ गया। फाग एक प्रकार का है, क्या है फाग? अनाज है, नृत्य है, संगीत है या फिर रंगमंच है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 है ये। देखिए इसका अगर सही विकल्प आप देखेंगे तो वो एक फाग नृत्य है, ठीक है ना, एक लोक नृत्य है फाग, जिसमें कि गाना गाया भी जाता है और नाचा भी जाता है, दोनों के लिए ये फाग, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे है? बुंदेलखंड। निमाड़, कहाँ पे? निमाड़ का है ये, निमाड़ में भी गाया जाता है ये फाग और बुंदेलखंड में भी, ठीक है ना, बुंदेलखंड और निमाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 27। बलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बताएं इसका विकल्प। बेगा, गोंड, भील या कंवर। ये दोबारा से रिपीट हुआ है, देखिए इसका जो सही विकल्प है मैंने आपको बता दिया ना, बेगा जनजाति और बघेलखंड, बघेलखंड और बेगा जनजाति के लोग बलमा, ठीक है ना, ये मिलन या प्रेम प्रसंग का ये नृत्य है या फिर गीत है बलमा, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया।
28 अनूप राग किसने लिखा है बताएं? तानसेन, अलाउद्दीन, कुमार गंधर्व या आमिर खान? देखिए इसका अगर विकल्प अपन सी पर जाएंगे कुमार गंधर्व, तो इसका विकल्प कुमार गंधर्व बिल्कुल सही विकल्प है। अनूप राव कुमार गंधर्व ने लिखा था, ये बहुत ही उच्च कोटि के, ठीक है ना, उच्च कोटि के ये क्या रहे थे, संगीतज्ञ रहे थे, म्यूजिशियन, ठीक है ना, म्यूजिशियन थे ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 29। बताएं निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? माच, राई, मटकी या सुआ? कौन सा विकल्प सही है? राजकीय नृत्य पूछा है मध्य प्रदेश का। देखिए इसके अगर राई पर जाएंगे आप तो बिल्कुल सही है, राई जो नृत्य है वो राजकीय, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। और इसी तरीके से राजकीय नाट कौन सा है? माच है, ठीक है ना, ये बुंदेलखंड से है, ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड, बिल्कुल भूलना नहीं है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के कुछ हिस्से में भी ये गाया जाता है, मतलब नाचा जाता बघेलखंड का, ठीक है, बघेलखंड। और माच, माच प्रमुखता से ये मालवा का है, और मालवा में इसका ओरिजिन उज्जैन से है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये भी मध्य प्रदेश का राजकीय ये नाट्य है माच, और ये लोक नृत्य है राई, ठीक है। चलिए हाँ बेगा का है बिल्कुल, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। संत सागर जी आप बहुत पीछे हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया। सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास को शेयर और लाइक, जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें और क्लास के लिंक को शेयर कर दें। चलिए इसका अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए ये तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 30 दोबारा लेंगे। बताएं ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30 आपका। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर दिवाली गीत गाए जाते हैं? दिवाली, शिवरात्रि, मकर संक्रांति या होली? दिवाली गीत कब गाए जाते हैं बताएं? कौन सा विकल्प सही है इसका? देखिए इसका जो सही विकल्प है वो दिवाली, दिवाली मतलब कि दिवाली मनाई जाती है, जब दीपावली, दीपावली के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। ये आ गया 31। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हरदोल की मनोती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है? बताइए मालवा, उज्जैन, बुंदेलखंड या डिंडोरी? क्वेश्चन नंबर 31 का हरदोल की मनोती कहाँ पर, कहाँ का प्रमुखता से ये वो है, कहाँ पर गाया जाता है ये? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दें।
देखिए हरदौल की जो मनोटी है ये बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां से ये प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो बुंदेला थे, ठीक है ना, बुंदेला वंश थे, बुंदेला वंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप जिन्होंने की 1531 में, 1531 में बुंदेला वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना, उनके बेटे थे। कौन थे? हरदौल, हरदौल इनका बेटा था। कौन सा सबसे छोटा बेटा? छोटा क्या, दूसरा पुत्र था ये। पहला पुत्र कौन था? जुझार सिंह। कौन था? जुझार, जुझार, हाँ जुझार, सॉरी, जुझार सिंह इनका बड़ा बेटा था और हरदौल इनका दूसरा बेटा था। तो जुझार सिंह की जो पत्नी थी, जो कि हरदौल की भाभी थी, ठीक है ना, भाभी की इज्जत बचाने के लिए, इज्जत की रक्षा के लिए हरदौल ने क्या पिया था? जहर पी लिया था, जहर पिया था और भाभी जी के हाथों से पिया था। तो उस अवसर पर हरदौल, हरदौल की को बहुत ज्यादा माना गया। और हरदौल की मनोती जो वहां पर शादी होती है तो सबसे पहला कार्ड हरदौल को ही दिया जाता है, ठीक है ना। शादी के विवाह अवसर पर सबसे पहला जो मनोती है उन्हीं के लिए गाई जाती है और उनको सबसे पहले इनवाइट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट जिनको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? बताएं कौन सा विकल्प सही है, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति या उपरोक्त सभी? बम्बुलिया, देखिए इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। बसंत पंचमी, शिवरात्रि और मकर संक्रांति पर मध्य प्रदेश में ये प्रमुखता से गाए जाते हैं बम्बुलिया, जो कि ऊंचे स्वर में, ध्यान रहे, ऊंचे स्वर में ये गीत वहां के स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 33। छोहार किस क्षेत्र का लोक नाट्य है, लोक नृत्य? बताइए बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न दोबारा आया है, पहले भी मैं पूछ चुका हूं अलग पैटर्न में। छोहार किस क्षेत्र का है बताएं? देखिए इसके बारे में मैं, अगर आपने बताया है 33 का बघेलखंड तो बिल्कुल सही बताया है, ठीक है ना, बघेलखंड क्षेत्र का ये प्रमुखता से, ठीक है ना, कराया जाने वाला लोक नृत्य है ये, ठीक है। और ये बेगा जनजाति के लोग, बेगा जनजाति के लोग सबसे ज्यादा करते हैं बघेलखंड में। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 34। लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? लहंगी, भील, बेगा, कोल या सहारिया? बताएं। देखिए इसका आंसर अगर आप डी पर जाएंगे तो बिल्कुल सही है, सहारिया जनजाति के लोग ये प्रमुखता से लहंगी नृत्य करते हैं और मुख्यतः से ये रक्षाबंधन का जो पर्व होता है, भाई बहन का जो त्योहार होता है, उस समय ये सबसे प्रमुखता से लहंगी किया जाता है। और इसमें एक लकड़ी, दो एक लकड़ी हाथ में रख ली जाती है
और पुरुष वर्ग एक गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और लकड़ी के साथ में, ठीक है ना, टकराते जाते हैं और गोल गोल घूमते जाते हैं और साथ में एक लोकगीत भी गाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लैंगी, ठीक है। और इस समय गेहूं के ज्वारे, ठीक है ना, गेहूं के जो ज्वारे हैं वो भी निकाले जाते हैं, उनको भी विसर्जित किया जाता है, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं भुंजरिया। क्या बोलते हैं? भुंजरिया का त्यौहार बोलते हैं, भुंजरिया का त्यौहार बोलते हैं ये, और वो किया जाता है, ठीक है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित के बीच में से क्या समानता है? बधई, सहारा, जावरा एंड खालसा। ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसमें से? सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किए हैं, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरी क्लास से जुड़ सकें। बताएं, देखिए ये प्रमुखता से 20 का सही आंसर है 35 का। सभी नृत्य के रूप में और ये मध्य प्रदेश में किए जाने वाले किए जाते हैं, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 36। वेलकम नर्मदा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो गए आप क्लास के, अगले 5 मिनट क्लास के लिंक को शेयर करें फटाफट और क्लास को लाइक जरूर कर दें आप फटाफट। नर्मदा जी, आप क्लास को लिंक को शेयर करें और क्लास को लाइक कर दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है, बताइए? कोई नहीं है, दोनों हैं, या फिर कर्मा ताप्ती, किसमें से कोई एक है? देखिए 36 का अगर अपन बी पर जाएंगे तो बी बिल्कुल सही है, थापती और कर्मा दोनों ही नृत्य जो कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कहलाते हैं, ठीक है, और ये गोंड और बेगा जनजाति के लोग ये गाते, ये प्रमुखता से इसको करते हैं, ठीक है, सी बी इसका सही है, दोनों ही है इसके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये आ गया प्रश्न नंबर 37। मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में फाग एक जनप्रिय लोक शैली है, लोकगीत की शैली, बताएं? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या फिर मंडला। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दें। देखिए इसका आंसर दो हैं, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, बुंदेलखंड और निमाड़ नहीं, निमाड़ है ये, निमाड़ दोनों के ही हैं ये। फाग गीत जो है बुंदेलखंड में भी चलता है और निमाड़ दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, दोनों जगह होता है, जो कि होली के समय पर, होली के समय पर प्रमुखता से इसको गाया जाता है लोकगीत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 274 मतलब 38वां है। नौराता मध्य प्रदेश क्षेत्र की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड, चित्रकूट, बघेलखंड या मालवा? नौराता, सभी विद्यार्थी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, जिन्होंने मेरी क्लास के लिंक को शेयर नहीं किया है या क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक बटन नहीं दबाया है, वो लाइक बटन जरूर दबा दें,
फटाफट बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का, अगर आप बुंदेलखंड पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही विकल्प है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में नवराता यानी कि नवरात्रि के पर्व पर जो नवरात्रि होती है, दुर्गा उत्सव होता है, उस समय ये प्रमुखता से वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं, नवरात्रि में अविवाहित लड़कियाँ होती हैं, वो इसको सबसे प्रमुखता से मनाती हैं बुंदेलखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध है? बताएं 39, खजुराहो, ओरछा, उज्जैन या महेश्वर। लाला हरदौल, देखिए इसका आंसर है ओरछा। अगर आप बी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही है इसका, ओरछा का है ये। लाला हरदौल बुंदेला वंश के थे ये, ठीक है ना, बुंदेला वंश के थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बुंदेला वंश के राजा रुद्र प्रताप के ये पुत्र थे, रुद्र प्रताप के ये पुत्र थे, और अपनी भाभी की इज्जत की रक्षा करने के लिए इन्होंने जहर पिया था। क्या पिया था? जहर पिया था, और ये जुझार सिंह के भाई थे, और इसलिए इनको बहुत माना जाता है, और इनकी कहानी सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड ओरछा में प्रचलित है, और उसके बाद में बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, बुंदेलखंड यानी कि बुंदेला, ठीक है ना, बुंदेला वंश के ये, ठीक है, वंश के थे रुद्र प्रताप सिंह के छोटे बेटे। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 40, बताएं इसका आंसर क्या है। बघेलखंड क्षेत्र में बसदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों देव देवताओं के बारे में गाते हैं? बताइए, श्रवण, कुमार, शिव, कृष्णा या अर्जुन। देखिए अब धीमे धीमे करके ये जो गायन है ना, प्रमुखता से कहाँ के हैं, कहाँ का ओरिजिन है, वहाँ का माना जाता है। अब तो सब जगह धीमे धीमे होने लगा है। मालवा में भी लहंगी नृत्य होता है, जो लहंगी होता है वो मालवा में भी किया जाता है। ठीक है, जो सहारिया जनजाति हैं, जो प्रमुखता से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ऐसा है कि ये अब धीमे धीमे करके सब जगह फैल गया है। ठीक है, अच्छा, ये बघेलखंड का जो क्षेत्र है, ये इसमें श्रवण कुमार, ठीक है ना, पौराणिक पात्र की जो देवता है वो श्रवण कुमार है, उनके लिए ये सबसे ज्यादा गाया जाता है बसदेवा, जो कि बेगा जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, बेगा जनजाति के। चलिए अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, ढोला मारू लोक वार्ता जो कि मालवा, निमाड़, बघेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से आई है? ए बी सी डी बताएं। देखिए इसका जो सही विकल्प है वो है राजस्थान। अगर आप सी पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, ये राजस्थान से आई हुई प्रथा है, ठीक है ना, जो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रिय हो गई है। क्या? ढोला मारू, क्लियर हो गया। और ये दोहे के रूप में रचित है, ठीक है ना, दोहा, दोहे के रूप में रचित एक लोकगीत है, ये लोकवार्ता है। ठीक है, तो एक घंटा पूरा हो गया अपनी क्लास का,
ठीक है, क्लियर हो गया। अगली क्लास 1 बजे, ध्यान रखिएगा 1 बजे है, कमीशंस पर सभी विद्यार्थी उसको जरूर ज्वाइन करें। मेरी क्लास को, मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी क्लास अच्छी कर लग रही है, और क्लास को लाइक करते हुए चलें सभी विद्यार्थी, और क्लास की लिंक को जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करते हैं उसको शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, शुरू होते से शुरू शेयर कीजिए कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग माई क्लास। 1 बजे मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, थैंक यू सो मच। 1 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा आप लोग, कमीशंस की क्लास है, इंपॉर्टेंट है अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए।